आज मैंने शमशानों की स्थिति देखी तो मुझे बड़ा दुख हुआ। भयावह स्थिति है, मुझे इस बात का अफसोस है कि ऐसी स्थिति आखिरकार हमारे देश में क्यों हुई। जब जब भी कोई बात हुई है तो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में है कि राजा की कोई कमी होती है तभी ऐसा होता है। एक ब्राह्मण का बालक मरा था और ब्राह्मण राम जी के पास गए और रो रो के कहा कि मेरा बेटा क्यों मरा। तो वो कहानी आप सब जानते हो, वो कहानी मैं बता नहीं सकता हूँ कि उसमें एक दर्द भरी कहानी भी जुड़ी हुई है। तो मैंने काशी में फ़ोन किया तो काशी में आज विद्वानों की मीटिंग हुई। अभी रात के 10:30 बजे 11 बजे मेरे पास फ़ोन आया है, अब तो रात के 12 बज गए हैं। तो वहाँ से काफ़ी निर्णय हुआ और निर्णय हुआ कि दो ही कारण है कि इसे मोदी जी और योगी जी ही संभाल सकते हैं केवल। मैंने कहा ऐसी कौन सी बात है, तो वहाँ के विद्वानों ने बताया कि हमारा नाम ना बताया जाए और आप हिम्मत करते हो मोदी योगी के सामने बोल लेते हो। तो एक टोटका है, ये कोरोना केवल 5-7 दिन के भीतर समाप्त हो जाएगा। मैंने कहा भैया आप भी अपना टोटका बताओ। मोदी जी ने पहले टोटके में कभी थाली बजवाई थी, कभी ताली बजवाई थी, कभी डांस कराया था, कभी दीपक जलवाए थे, कभी शंख बजवाया था। हो सकता है उनसे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ मैं नहीं कहता हूँ, पर एक टोटका बहुत अच्छा है कि जो कि पांडु जी महाराज को ये हो गया कि मेरे कोई संतान नहीं होगी तो वो राज्य को छोड़ के चले गए थे। दशरथ जी महाराज को भी दुख हुआ कि मेरी इस अवस्था में संतान नहीं हुई है, मैं राज्य का अधिकारी नहीं हूँ। अर्थात निर्वंशी व्यक्ति राज्य का अधिकारी नहीं होता और दूसरा संन्यासी व्यक्ति राज्य का अधिकारी नहीं होता। अब दो ही लोग हैं बड़े महान पुरुष, एक तो योगी जी संन्यासी के रूप में लाल कपड़े पहन के भी राजगद्दी पर बैठते हैं और दूसरा एक मोदी जी निर्वंशी होकर के और वो भी प्रधानमंत्री की लालसा में रहते हैं। तो मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी आप तो बड़े देशभक्त हैं, यदि देश के साथ गद्दारी करोगे तो मेरी बात को नहीं मानोगे ना आप ना योगी जी, और यदि देश के साथ वफादारी करोगे, जनता से थोड़ा भी प्यार है तो इनकी जान बचाओ। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ, आप दोनों के त्यागपत्र देने से, आप ऑक्सीजन दो मत दो, दवा दो मत दो, पर दोनों त्यागपत्र दे दो। मैं कह रहा हूँ जनता सुखी हो जाएगी, देश में कोई अफरा तफरी नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। क्योंकि एक तो सन्यासी है जो गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है, रड़ुआ बड़ुआओं का क्या मतलब है गद्दी पर बैठने का, और एक निर्वंशी है जिसका सुबह सुबह मुंह देखने का भी हक नहीं है। हमें किसी को जाति सूचक सब तो कह नहीं सकता कि ये जिस जाति से पैदा हुआ है, सुबह सुबह सामने से कोई आ जाए तो उसका मुहूर्त खराब हो जाता है, समझ लो उसकी मौत हो जाती है। ये कहते हैं जिस जाति से यह है यदि वो सामने से आ जाए तो उसकी मौत हो जाती है, उसका मुहूर्त खराब हो जाता है। इसी प्रकार से इस व्यक्ति को, निर्वंशी को, मोदी जी को जब से गद्दी पर बैठा ला है, जब से मौत का तांडव चार तरफ हो रहा है, कभी फौजी मर रहे हैं, कभी लोग मर रहे हैं, और आज ये बहुत पावरफुल हो गए हैं और ऐसे पावरफुल हो गए हर तरीके से ये लोगों को जो कि परेशान कर रहे हैं। सदैव खून की नदियां से स्नान किया है इन्होंने, लाशों पर राज किया है, मुसलमानों की लाशों पर राज किया है, गरीब जनता का खून चूसा है। तो परमात्मा एक ना एक दिन निर्णय करता है, भगवान ने निर्णय किया है, कोरोना काल केवल इसलिए है ये दो लोग गद्दी पर बैठे। इन दोनों से प्रार्थना करूँगा यदि देशभक्ति है, देश के प्रति बिल्कुल गद्दारी नहीं है, तो आप मोदी जी और जो कि योगी जी दोनों त्यागपत्र दे दें। जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है, कह नहीं सकती है, मेरी बात नहीं, मैं जनता की तरफ से कह रहा हूँ और काशी के विद्वानों की तरफ से कह रहा हूँ और शास्त्र के विधान से कह रहा हूँ कि मोदी और योगी दोनों ही गद्दी के अधिकारी नहीं हैं। क्योंकि मोदी निर्वंशी हैं और उस जाति से हैं जिसे गद्दी का अधिकार नहीं है, और जब जब वो राजा गद्दी पर कोई बैठे तो सत्यानाश हुआ है देश का, और योगी संन्यास ले चुके हैं घर से, और संन्यास जब ले लेते हैं तो महलों में टाल काम नहीं रहते, नारी का दर्शन नहीं करते हैं, रत्न धन छूते नहीं हैं, केवल वो भगवान की भक्ति में रहते। तो दोनों ही निषेध हैं राजगद्दी के लिए। इसी कारण से देश पर बहुत बड़ी आपदा आई है और ये देश के अंतर्गत में बड़ी आग लग रही है, हिंदू की मुसलमान की इन्होंने लगाई है। तो मैं फिर कहूँगा
मोदी और योगी से दोनों एक टोटका कर दीजिए, जब थाली बजवाई ताली बजवाई एक ये भी टोटका करके देख लो, यदि आप देशभक्त हैं तो केवल एक महीने के लिए त्यागपत्र दे दो, मैं गारंटी दे रहा हूँ 8 दिन के भीतर भीतर देश सुधर जाएगा। मैं संत युवराज जनता जनार्दन से कह रहा हूँ कि ये मुझे अब जेल में डालेंगे इस वीडियो के बाद में, और मेरे साथ यदि कोई भी घटना हुई तो केवल वो मोदी जी के द्वारा की जाएगी, इस बात को समझ लेना। चाहे वो किसी भी समय पर कोरोना के नाम से हो, चाहे हार्ट अटैक के नाम से हो, चाहे एक्सीडेंट के नाम से हो, कोई भी हो या जेल हो, तो वो मोदी जी इसके दायित्व होंगे कि मोदी जी मेरे मित्र हैं और मोदी जी भाई तुम्हीं से जो कि प्यार है और तुम्हीं से लड़ाई है। तो ध्यान रखें देशवासियों, परंतु इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएँ और मेरी मांग को ज़्यादा आगे बढ़ाएँ कि मोदी जी जल्दी से जल्दी त्यागपत्र दें और योगी जी त्यागपत्र दें और देश की गद्दी को खाली करें, जिससे कि देश से कोरोना भागे। ये भी एक बहुत बड़ा टोटका है, जब ये वो टोटका कर सकते हो तो ये भी टोटका अच्छा रहेगा। धन्यवाद आप लोगों के लिए।